हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोब इनटेक ग्रुप के अंदर। आज के वीडियो हम बात करेंगे अपाची 160 के बारे में, जो BS6 में आती है। इसके सभी कलर अवेलेबल हैं हमारे पास। ये मैट रेड के ऊपर आती है दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये सभी स्टिकर इसके लगे हुए हैं। तो आज जल्दी जल्दी बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि अब टाइम नहीं मिल पाता काम की वजह से, इसलिए वीडियो में भी थोड़ा लेट हो जाते हैं। लेकिन कोशिश करूंगा रोज़ाना आपको एक से दो वीडियो मिल जाए, जो कि छोटी छोटी होंगी। तो जल्दी से बात कर लेते हैं इनकी स्टिकर के बारे में, कि इन्हें कहां कहां कैसे कैसे अप्लाई किया जाता है। बिल्कुल भी मिस ना करें दोस्तों, वरना स्टिकर ख़राब हो सकते हैं आपके। एक तो सबसे पहले, लगाने से पहले इन्हें गाड़ी को वॉश करा लीजिए आप अपनी शैम्पू से सादी, फिर उसे सुखाइए, उसके बाद आप इनको अप्लाई करें। उससे पहले आप किसी भी क्रीम या पॉलिश का यूज़ ना करें। जब आप इनको पेस्ट करवा लें, किसी एक्सपर्ट से ही पेस्ट कराएं, तब आप इस पर किसी भी पॉलिश का भी यूज़ कर सकते हैं इसको अप्लाई करने के बाद। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं कि कहां कहां अप्लाई किए जाते हैं। उससे पहले बस इतना ही दोस्तों, जो भी नए दोस्त आएँ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर आप इसी तरीके की अनपैक वीडियो देखना चाहते हैं तमाम स्टिकर्स की। जैसा आप जानते हैं, हमारा होलसेल का काम है, इसी के रिगार्डिंग मेरे पास ये सारा सामान इसी तरीके से आता है, क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग का भी काम है। तो जो पीस प्रिंट होने के बाद कटिंग होकर आते हैं, तो मैं आपके लिए इस तरह से वीडियो बना देता हूँ। तो दोस्तों लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप इसको ले सकते हैं। हमारा होलसेल और रिटेल दोनों का काम है, आपको जितना माल चाहिए, जितना भी चाहिए क्वांटिटी में, वो सब आपको मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं इन्हें कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है, मैट रेड पर यूज़ किए जाते हैं। तो बात करते हैं यहाँ से दोस्तों, ये दोनों आपको टैंक पर अप्लाई करने होते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इनकी ग्लोसी शाइन देखिए दोस्तों, हमारे पास आपको बेस्ट क्वालिटी का ही माल मिलेगा। लोकल का माल हम बिल्कुल नहीं रखते, और ना ही रिकमेंड करते हैं किसी को कि आप अपनी 80-90 हज़ार की गाड़ी, 1 लाख की गाड़ी पर आप कोई लोकल स्टिकर लगवाएंगे। आप अपनी मार्केट में इनका रेट ट्राई कीजिए और हमसे पता कीजिए, इंशाल्लाह आपको सबसे सस्ता हमारे पास ही मिलेगा। ये टैंक पर अप्लाई किए जाते हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपने देखा ये दोनों लेफ़्ट और राइट में इनको अप्लाई कर दिया जाता है। अब बात करते हैं इसकी, ये हॉर्स 3D लोगो होता है, जो कि आप देख पा रहे हैं। ये रेप ये इस तरीके का होता है दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे, ये 3D होता है और काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, इसको आप मोड़ तरोड़ कुछ भी कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है आपको। ये मैट रेड पर इसका यूज़ किया जाता है। और एक चीज़ और बता दूँ, जो ग्लोसी रेड कलर आता है उस पर भी इन्हीं स्टीकर का यूज़ किया जाता है, इन्हें ही अप्लाई किया जाता है। तो आप ये 3D हॉर्स लोगो है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर है, कंपनी तो यही लगा कर देती है। आप चाहें तो ब्लैक का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको ब्लैक लगवाना है। ये भी सेम होता है, 3D होता है ये भी, आप इन दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं अपनी बाइक पर। ये बात हो गई टैंक की। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी, ये भी टैंक पर अप्लाई किए जाते हैं। ये पेट्रोल के ढक्कन तक, नीचे सीट से लेके ऊपर ढक्कन तक आता है, उसके बाद आगे इसका यूज़ किया जाता है, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और इस पर ना जाएं दोस्तों, ये लेमिनेट ऊपर से किया जाता है, ये उतार दी जाती है। जब आप यहाँ से इस पेपर को उतारते हैं, ये पेपर उतर जाता है और इसको पेस्ट कर दिया जाता है जिस वक्त बाइक के ऊपर, उसके ऊपर से ये लेमिनेशन भी इसकी उतार दी जाती है। तो नीचे जो आपको प्रिंटेबल लेमिनेशन दिखाई दे रही है, ये बस यही बाइक पर बचती है। तो ये दोनों भी टैंक पर ही इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी, ये वाइज़र पर सबसे आगे आपको अप्लाई करना होता है। ये दोस्तों किसी एक्सपर्ट से ही लगवाएं, खुद ना लगाएं, मैं यही कहूँगा आपसे। बात करते हैं इसकी, ये जो हमारी बैक की लाइट होती है रेड कलर की सबसे पीछे, इसको वहाँ ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों ये अपाची की, ये अपाची का स्टिकर मिडिल पैनल पर आपको कुछ इस तरह मिल जाएगा, इसको यहाँ अप्लाई किया जाता है।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों इन दोनों की। ये लेफ्ट और राइट में अप्लाई किए जाते हैं। जो बैक पैनल होता है हमारा, इसको टेल भी बोलते हैं, इसको वहाँ दोनों को लेफ्ट और राइट में अप्लाई किया जाता है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। अब बात करते हैं ये RTR 160 की। आपको ग्राफिक्स में दोस्तों कोई कमी नहीं मिलेगी। ये RTR 160 जहाँ बैक पैनल पर इनका यूज़ किया जाता है, वहीं ऊपर इसका यूज़ किया जाता है, इसको अप्लाई किया जाता है RTR 160 को। अब बात कर लेते हैं ये TVS का रेसिंग। ये दोस्तों आपको जो इंजन होता है हमारा बाइक में, वहाँ नीचे इंजन का गार्ड के लिए प्लास्टिक का जो कवर होता है, इसको वहाँ अप्लाई कर दिया जाता है लेफ्ट और राइट में दोनों को। तो ये तो हो गई दोस्तों बात इनकी कि इनको कैसे कैसे अप्लाई किया जाता है। अगर अब बात करते हैं कि इस वीडियो के अंदर बस इतना ही है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप इसे मंगा सकते हैं घर बैठे। हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी का कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। आप पहले पेमेंट करते हैं तो आपको तमाम स्टिकर भेज दिए जाते हैं कोरियर के द्वारा। कैश ऑन डिलीवरी हमारे यहाँ नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज़।